गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय चैनल, हियर इट शुभोदित। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट टाइम मैं कोई गोप्रो से वीडियो बना रहा हूँ, मतलब व्लॉग कर रहा हूँ। इससे पहले मैं मोनो व्लॉग करता था, बट आज मैं गोप्रो से व्लॉग करूंगा, ये फाइनल किया। तो नॉर्मली हमारा बाइक उधर पे पार्क है, ठीक इस तरह। और कल हम लोग मतलब वो इतना अंदर पे था बाइक, यहाँ पे ला के लगेज पीसी यहाँ पे लिफ्ट पे देके मतलब ऊपर गया था। पर ये होटल बहुत सही है, मेरे को तो वही लग रहा है अभी तक जो भी हो। देवांजन किधर पे गया? हाँ, तो राइट नाउ ये सिलीगुड़ी सिटी हम लोग अभी पैदल मारते मारते यहाँ से जा रहे हैं। सोच रहा हूँ सिलीगुड़ी जो मार्केट है वहाँ पे जाएंगे, तो देखते हैं किधर पे जाता हूँ। मॉर्निंग का चाय जो भी हो। हाँ हाँ हाँ, चाय बहुत ही बढ़िया है। जो भी हो, चाय खाने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे, वही बात है। अमर तुलिस अमर तुलिस। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, सिर्फ जॉन्डी का आने वाला बाकी, तो थोड़ा खा पी लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। चलो। हाँ, तो हमारा जो बाइक टोटली रेडी हो चुका है निकलने के लिए। यहाँ पे हमारा बाइक लगेज टोटली फिट कर चुका हूँ। जस्ट अभी हम लोग निकल के फर्स्ट जाएंगे रैप एंड राइड जो स्टिकरिंग का स्टोर है, बिकॉज देवांजना जॉन्डी की स्टिकरिंग का काम करना है। वैसे मैं भी सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या करता हूँ। और सब रेडी, तो चलो होटल से फर्स्ट चेकआउट करते हैं। तो चलो, तो वी आर लिविंग फ्रॉम होटल का नाम है सुजाला रेजिडेंसी, आई थिंक ये होटल का नाम है। बाप रे बाप, ट्रैफिक देखो भाई कैसे। ए की ट्रैफिक रे, मजा। तो ये जो ट्रैफिक है आज मारेंगे हम लोगों को। गाइस इसके बाद कुछ फुटेज में मेरा गोप्रो का माइक ने धोखा दे दिया, काम नहीं किया। तो जो भी हो, हम लोग रैप एंड राइड का जो स्टोर है वहाँ पे विज़िट करने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली विज़िट नहीं कर पाए बिकॉज हम लोग स्टोर ही नहीं ढूंढ पाया, वही बात है। और ज़्यादा हम लोग ढूंढने का कोशिश भी नहीं किया बिकॉज बाइक पर लगेज था उस लिए। और सोचा नेक्स्ट बार हम लोग जब आएंगे तो फिर से रैप एंड राइड का स्टोर पर विज़िट करेंगे। अभी हम लोग जाने वाले हैं सिलीगुड़ी टू मालदा। आज हम लोग डायरेक्ट कोलकाता नहीं जाएंगे, मैं वीडियो पे आगे पे एक्सप्लेन किया हूँ क्यों नहीं जाऊँगा। अभी बहुत ही जल्दी बिकॉज दोपहर का टाइम हो चुका है, हम लोग लंच करने वाले। आप लोग वीडियो आगे देखो। राइट नाउ अभी हम लोग का लंच ब्रेक लिया गया है, तो अभी का टाइम हो रहा है अराउंड 2:30। हाँ 30 मिनट ही होगा। और हमारा बाइक यहाँ पे, और जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग अभी रुके हैं इसका नाम है अपना घर जो भी हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम लोगों का जो वर्ल्ड राइड का किया था देवाशीष बोस, उसका पोस्टर है, दैट्स ग्रेट। और क्या बताऊँ, तो अभी लंच वगैरह करते हैं फटाफट से, बिकॉज ये लंच के मतलब ड्यूरिंग राइड पे आप लंच के मतलब देरी करते हो ना, तो देर होते ही जाते हैं। तो उससे पहले भाई प्रॉपर टाइम पे लंच कर लो, वही बेटर है। हम लोग भी वही कर रहे हैं, जो भी हो फटाफट से खा लेते। आज मैं वेज थाली ले रहा हूँ और सिर्फ एक खाऊँगा बिकॉज मेरा पेट का हालत उतना सही नहीं है। जो भी हो फटाफट से लंच करते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। तो हमारा लंच हो गया है, तो अभी निकलते हैं मालदा के लिए। मालदा यहाँ से अभी भी 191 किलोमीटर बाकी है स्टिल। मेरा और एक ग्लव्स किधर गया? चस जा, ओ फिर से गिर गया। जो भी हो फटाफट से कवर करते यही बात। तो अभी का टाइम रहा है 3:30, एकदम प्रॉपर टाइम पे हमारा लंच हो गया, दैट्स ग्रेट। जॉन्डी कौन है? तो बहुत बढ़िया लंच हो गया, तो अब मालदा चलते हैं ऐसे। तो नॉर्मली हम लोग आज नाइट राइडिंग करने नहीं जाते, नहीं तो एक ही दिन पे हम लोग फिर से कोलकाता चले जाते, बिकॉज हम लोगों ने सोचा थोड़ा रेस्ट लेके जाना ही सही होगा।
और बिकॉज सारा राइड पे हम लोग नाइट राइडिंग करते करते ही जा रहा हूँ। गैंगटॉक से सॉरी नाथांग से जब आ रहा है तो उस दिन भी नाइट राइडिंग हुआ। जिस दिन हम लोग नाथांग गया था उस दिन भी शाम के 6 बज गए। लाटागुड़ी पहुँचते पहुँचते भी बहुत रात हो गया था, समझ रहे हो ना। और जिस दिन हम चापरामारी फॉरेस्ट होके आ रहे थे उस दिन भी नाइट ही हो गया था। तो आज का हमारा प्लान वही है, शाम होते होते मालदा पहुँचता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, नेक्स्ट दिन निकलता हूँ, वही बेस्ट होगा। तो अभी राइट ना हम लोग इस्लामपुर सिटी क्रॉस कर रहा हूँ। बाप रे बाप क्या ट्रैफिक है इस्लामपुर सिटी पे घुसने के बाद ही भाई। इसलिए ना नाइट के टाइम पे हम जब राइड करते हैं, आई नो थोड़ा नींद का प्रॉब्लम होता है, सबको होता है, बट ये ट्रैफिक से बहुत मतलब बच जाता हूँ। इससे ना एनर्जी बहुत रहता है, ट्रैफिक के वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ होता है ये सैडल बैग ये सब लेके, बिकॉज डर रहता है किसी भी जगह पे लग ना जाए, यही बात है। तो अभी का टाइम हो रहा है 4:21। हम लोगों का अभी भी डिस्टेंस बाकी है 152 किलोमीटर। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई गेस, बिकॉज 2 आवर्स 3 आवर्स का अंदर हो जाना चाहिए वही लगता है, बट मैप बहुत टाइम दिखा रहा है 4 आवर्स। आई डोंट नो व्हाई, मे बी रोड पे ट्रैफिक है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके बताता है गूगल मैप। अच्छा खासा स्पीड मेंटेन अभी कर रहा हूँ, 72, 73, 80, 90, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा हूँ इस रोड पे, बिकॉज कब गड्ढे आ जाएगा समझ में नहीं आएगा, यही बात है। तो वी जस्ट एंटर्ड बोतलबाड़ी, बोतलबाड़ी का रूट, बोतलबाड़ी का रूट भाई बहुत किलोमीटर सेव करता है, आई नो वही बात है। तो शाम होने से पहले हम लोगों को बोतलबाड़ी क्रॉस करना पड़ेगा, वही बात है। हाँ, इस शाम होने का टाइम पे ये जो नज़ारा है ये बहुत बढ़िया लगता है सच में। एज यू कैन सी बहुत बढ़िया लगता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी साइड। तो 5:18 शाम हो चुकी है, क्या बात। वेदर देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी, मतलब सच में। फॉग गिरना अभी से स्टार्ट हो चुका है, यही प्रॉब्लम है। मेरे को ना बहुत जोर से सुसु ब्रेक एक लेना पड़ेगा। ही बाबा क्या भाई, ये रोड का कंडीशन बहुत ही बेकार है, बहुत ही। अरे बाप रे बाप, गड्ढे आ गया ये भाई, दिख के चलाना पड़ेगा नहीं तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से मालदा 114 किलोमीटर है, 14 समझ रहे हो ना, 14। इस साड़िया का बीच राइट एकदम परफेक्ट। चलो क्यों, अरे आस्ते कर रहे भेंगे भूंगे जावे। चलो तो हमारा जो होटल है मालदा पे वो है मायाबोन रिजॉर्ट समथिंग, ऐसा ही कुछ नाम है जो भी हो। तो अभी का टाइम हो रहा है शाम के 6:30 और यहाँ से वो अराउंड 98 किलोमीटर राइट। यहाँ पे थोड़ा चाय वाय खाए हम सब, सबको आने दो उसके बाद ही जाएंगे। अपोलो टायर्स, मेरा भी बाइक पे अभी स्टिल अपोलो टायर ही चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अभी अपोलो H1, सीरियसली बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है ये बोल। इस टायर के ऊपर मैं बाद में एक टोटल एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा, ये रोड ट्रिप कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही मैं H1 का एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा, कैसा है टूरिंग के और कैसा है हाई स्पीड में, वही बात है। चलो फटाफट से चलते हैं, और क्या। काजोल बाँ साइड बहनपुर स्ट्रेट,
जो भी हो गाइस, राइट नाउ वी जस्ट डन अराउंड 202 किलोमीटर और टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8 बज रहा है और हम लोगों का जो नाइट स्टे है जिधर पे करेंगे होटल वो यहाँ से 34 किलोमीटर। एक चीज़ कह देता हूँ भाई, आज ठंड मतलब बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोग जब 80-90 पे क्रूज़ कर रहा हूँ इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, यू कैंट इमेजिन। बड़ा विंडशील हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं होता, चेस्ट पे एक भी हवा नहीं लगता, पर ये छोटा विंडशील है तो भाई बहुत चेस्ट पे हवा लग रहा है, क्या बताऊँ, दिक्कत तो हो रहा है। और तेज़ नहीं चला सकता बिकॉज ठंड लग, हवा बहुत ही जोर का झटका दे रहा है, क्या ठंड है। राइट नाउ 9, हम लोगों ने जस्ट आवर डिनर कंप्लीट किया। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अभी हम लोग परदेसी ढाबा के सामने पे हूँ और यहाँ पे खा भी के हम लोग मालदा बाईपास पे एक होटल पे स्टे करेंगे और यहाँ पे हमारा बाइक देख लो, तो फटाफट होटल पे चलते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूं बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। हाँ तो डिनर हो चुका है, मैंने रेनकोट पहने लिया, वो रहा देवांजन एंड जॉन्टी, मेरे को उस पार होना है, वही बात है। तो गाइज फाइनली हम लोग एक होटल पे रिजॉर्ट पे मतलब अंदर आ चुके हो, रिजॉर्ट के अंदर आया हूँ। पहले सोच रहा था कोलकाता डायरेक्ट चले जाएंगे, बट लास्ट टाइम हम लोग डिसीजन लिया कोलकाता नहीं जाएंगे, यहाँ पे रह जाएंगे बिकॉज टाइम हो गया 10:30, अभी भी यहाँ से 350 किलोमीटर बाकी है, तो सारा रात बाइक चला के कोई लाभ नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे नाइट स्टे करते और हमारा बाइक यहाँ पे। और ये जो रिजॉर्ट है ये मायाबोन रिजॉर्ट है, अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो होटल के रूम पे अंदर चलते हैं, रूम पे जाके बात करता हूँ, चलो।